अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.9 करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सोलेनोइड है, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इस सोलेनोइड का रेडियस दिया हुआ है, जिसका हमको कोई काम नहीं है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए उसका फार्मूला होता है म्यूनोड एन आई, यानी कि ये म्यूनोड का मान जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और ये होता है करंट। तो हमको नंबर करंट तो दिया हुआ है सवाल में, लेकिन करंट कितना दिया हुआ भाई, 5 एम्पियर का दिया हुआ है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ चाहिए, वो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 500 टर्न है ये, और टोटल लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर का। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ टर्न को लेंथ से भाग देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न बटे लेंथ, ये इसको इससे भाग देंगे तो ये आएगा 1000। उसके बाद ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन हो जाएगा, हम इसको यहाँ बैठा देंगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये 4 गुना 5, 4 5 ये हो गया 20 पाई गुना 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर क्या ये 3 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू पाई का जगह पे 3.14 इंटू, ये देखो तो 10 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। ये बेस से में तीनों का पावर जुटेगा तो 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 4, ये यानी कि -3, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.28 × 10 टू द पावर क्या -3 टेस्ला हो गया क्या आंसर।